अगर हम अपने फेस की बहुत सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इसका सबसे ज्यादा जरूरी क्या काम होता है कि हम अपने स्किन की ऐसी केयर करें कि जिससे हमारी जो स्किन है वो उसकी रंगत बने, उसमें निखार आने लग जाए, उसमें शाइन आए और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होने लग जाए, जैसे झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं और दूसरा कि एक्ने वगैरह के जो निशान है फेस पर वो भी खत्म हो जाए। ऐसे में हम क्या यूज करें कि हमारी स्किन को सूट भी हो जाए और हमारी स्किन पे अच्छे तरीके से उसका इफेक्ट आए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा ही फेस स्क्रब और फेस पैक जिसका यूज अपनी स्किन पर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपनी स्किन पर। स्किन में ब्राइटनिंग बनेगी, स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट होगी और स्किन पर जो भी झाइयाँ झुर्रियाँ हैं झाइयाँ झुर्रियाँ खत्म होंगी, स्किन से पिगमेंटेशन के निशान है वो खत्म होंगे और एक्ने वगैरह पिंपल्स वगैरह के जो निशान है वो खत्म होंगे। आइए शुरू करते हैं इस स्क्रब एंड पैक को बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉफी पाउडर का। एक क्लीन बाउल लेंगे और इसमें हम एक चम्मच कॉफी पाउडर डालेंगे। कॉफी पाउडर के आपको बताइए स्किन के लिए इतने अच्छे बेनिफिट्स होते हैं कि कॉफी पाउडर जो है वो हमारी स्किन पे इतना अच्छा काम करती है, इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है हमारी स्किन को पॉलिशिंग करने की। ये हमारी स्किन पे जो भी गंदगी होती है उसको रिमूव करती है। एक्ने पिंपल्स जो हैं, अगर हमारे रोम छिद्र वगैरह में कोई भी गंदगी है तो ये हमारे रोम छिद्र से गंदगी को हटाती है। बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हमारी स्किन पर कॉफी के हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाला है। चावल का आटा भी आपको पता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें स्किन को लाइटनिंग और व्हाइटनिंग करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ग्लोइंग बना देता है। स्किन पे इतनी अच्छी शाइन आती है इसके यूज से। हमारे स्किन पे जो दाग धब्बे हैं वो दाग धब्बों के निशान को खत्म करता है। हमारी स्किन पे जो डार्क सर्कल्स हैं ये हमारी स्किन के डार्क सर्कल को खत्म करता है। अब तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्किन में बहुत ही अच्छी शाइन बनाता है ये। इसके यूज से हमारी स्किन के जो रोम छिद्र है वो भी क्लीन होते हैं और हमारे जो डार्क सर्कल्स वगैरह है ये वो हटाता है। स्किन में अलग ही ग्लो बनाता है और हमारी स्किन पे जो झाइयां झुर्रियां हैं ये झाइयां झुर्रियों को खत्म करता है। इसके बाद डालेंगे इसमें एक चम्मच रोज वाटर। रोज वाटर हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करता है। ये हमारी स्किन में अच्छा ग्लो बनाए रहता है और दूसरा कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है। ये हमारी स्किन पे नमी बनाए रहता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फेस को बहुत अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस पे अप्लाई हम करेंगे तब हल्के हल्के हाथों से जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो सारे फेस पे अप्लाई करने के बाद हम इसको बहुत लाइटली हाथों से स्क्रबिंग करेंगे अपने फेस की, क्योंकि चावल का आटा भी हमने इसमें डाला है और कॉफी भी डाली है जो हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा स्क्रबर का काम करते हैं। तो इसको हम स्क्रब करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से हम अपना फेस पर स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के बाद इसको हम नॉर्मल पानी के साथ में वॉश कर लेंगे अपने फेस पे। अब जो स्क्रब को मैंने रेडी करा था इसी में मैं एक चम्मच बेसन डाल दूंगी। बेसन डालने के बाद ये थोड़ा थिक हो जाएगा, तो ठीक होने के बाद इसमें जो रोज वाटर की मात्रा है थोड़ी सी और डाल दूंगी। इससे हमारा जो फेस पैक है वो रेडी होगा। बेसन जो है, बेसन के भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो बेसन देता है। बेसन से हमारी स्किन पे जो एक्ने पिंपल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। बेसन का यूज अगर हम अपनी स्किन पे करते हैं ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करता है। बहुत ही अच्छा ग्लो बेसन के यूज से हमारे फेस पर आता है। फेस की जो भी प्रॉब्लम है एक्ने की, दाग धब्बों की, सबको रिमूव करता है। इसको हम 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे जब तक रहने देंगे जब तक ये सूख नहीं जाएगा। सूखने के बाद नॉर्मल पानी के साथ में हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद देखिए फेस पे इतना अच्छा ग्लो आएगा कि स्किन में बहुत अच्छी शाइन आने लगेगी। इस पैक का और इस स्क्रब का यूज आप रेगुलर कीजिए, 1 वीक तक करके देखिए। 1 वीक में आपको इतने अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, आपको बहुत ही मुलायम आपकी स्किन लगेगी। स्किन पे जो हल्के हल्के पिगमेंटेशन वगैरह के निशान थे वो खत्म हो जाएंगे इसके यूज से और आपके जो डार्क सर्कल्स है ना वो डार्क सर्कल भी कम होने लग जाएंगे। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो इससे आपकी जो झाइयां झुर्रियां हैं उसकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अच्छे रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं जब रेगुलर यूज करेंगे तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ फेस एंड हेयर से रिलेटेड बहुत सारे DIYs। थैंक यू।